हेरिटेज इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस के अवसर पर विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान बच्चों ने कविता एवं नाटक के माध्यम से अपनी देशभक्ति को जाहिर किया। शहर के प्रतिष्ठित हेरिटेज इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाते हुए विशेष प्रार्थना सभा आयोजित की गई। प्रार्थना के पश्चात कारगिल विजय दिवस से संबंधित जानकारियां कविता और नाटक के माध्यम से प्रस्तुत की गई। विद्यालय की एकेडमिक डायरेक्टर श्रीमती दीप्ति तिवारी के अनुसार कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को वीर शहीदों के साहसिक कारनामों की जानकारी देना है, साथ ही उन शहीदों को नमन करना है जिनके कारण हम आजादी का आनंद ले पा रहे हैं। संयुक्त सचिव उमाकांत मिश्रा व डायरेक्टर बृजमोहन उपाध्याय के अनुसार इस दिन उन सभी अमर योद्धाओं को याद किया जाता है जिन्होंने बहादुरी से लड़ाई लड़ी और दुश्मन के हमले से देश की रक्षा की और हमें आजादी दिलाई। प्राचार्य श्रीमती मनप्रीत फूलमाली ने बताया कि कारगिल युद्ध 1999 में भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच 60 दिनों तक चला और 26 जुलाई को सेना ने विजय प्राप्त किया। साथ ही उन्होंने कहा कि इन वीर योद्धाओं के जीवन से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए और जरूरत पड़ने पर अपने देश की खातिर अपना जीवन बलिदान करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। कारगिल का युद्ध लड़ गया, बच्चा तो मैं छोटा था, डर तो सबको लगता है लड़ाई से, लेकिन ट्रेनिंग और कुशलता पूर्वक हम लोग गए जम्मू, जम्मू से श्रीनगर और श्रीनगर से कारगिल। युद्ध बहुत कठिन चीज का नाम होता है और हिंदुस्तान की जनरेशन में हर आदमी सैनिक है, जो यहाँ पर अध्यापक, प्रिंसिपल, टीचर, इंजीनियर, तमाम लोग सैनिक हैं। अकेले कोई सेना देश का युद्ध नहीं जीत सकती है, युद्ध जीतने के लिए सिविल पब्लिक। इस मौके पर बच्चों की ओर से कारगिल विजय दिवस के शहीदों को नमन किया गया और राष्ट्रगान के पश्चात प्रार्थना सभा समाप्त की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में स्कूली छात्र छात्राएं और समस्त स्कूल का स्टाफ मौजूद रहा। एसीएन न्यूज के लिए शाहिन खान की रिपोर्ट।